तो दोस्तों आज हो गई है 22 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत, खाने पीने से लेकर के सुरक्षा के भारी इंतजाम आप लोगों को बताते चलें। 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी समेत विभिन्न मांगों को लेकर के 1 वर्ष से अधिक समय से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति पर विचार करेगा। इसके बाद 26 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी बैठक होगी। और वहीं तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती है, तथा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं करती है सरकार, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं इस बीच लखनऊ में आज होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई जिलों से किसान वहां पर पहुंच चुके हैं और वहीं अन्य प्रदेशों से भी किसान लखनऊ के लिए कूच कर चुके हैं। देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है, लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत है और योगी सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, मोदी के षड्यंत्र का खुलासा खुद ही कृषि मंत्री ने कर दिया है। बोले हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, समझाएंगे और एक बार फिर से कृषि कानून लाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है और संसद में अभी तक तो ये कानून रद्द भी नहीं हुए हैं कि बीजेपी के नेता यहां पर कहने लगे हैं कि यह कानून एक बार फिर से आएंगे। और आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान आया है कि कृषि कानूनों को एक बार फिर से लाया जाएगा। और वहीं कमल पटेल अपने इस बयान को लेकर के अब लोगों के निशाने पर भी आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार हम किसानों को समझा पाने में नाकाम रहे हैं, लेकिन अगली बार हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे तो एक बार फिर से इस कानून को लाया जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बयान दे दिया है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने, जिसके बाद यहाँ पर काफी विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान संगठन भी काफी गुस्से में है दोस्तों। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, कृषि कानून वापसी के बाद किसान संगठनों का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, किसान संगठनों ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। तीनों ही कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले के बाद पहली बार हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में एमएसपी गारंटी, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा और किसानों पर मुकदमे वापस लेने की मांग पर आम सहमति बनी है। संयुक्त किसान मोर्चा अब 27 नवंबर को एक बार फिर से बैठक करेगा। बैठक के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि हमने मीटिंग में तय किया है कि जो भी कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वे आगे भी लगातार जारी रहेंगे। 29 तारीख से पहले 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी। जो मांगे बाकी रह गई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जाएगा। और वहीं इस दौरान यहां पर लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के उन्होंने अजय मिश्रा टेनी को भी बर्खास्त करने की किसान संगठनों ने मांग कर दी है दोस्तों। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, 24 नवंबर को कैबिनेट में पेश होगा कानून वापसी का प्रस्ताव, मिल सकती है मंजूरी। 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद 24 नवंबर यानी कि बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इन कानूनों की वापसी के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद के सत्र में तीनों ही कानूनों को आधिकारिक रूप से वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव, नरेंद्र मोदी की जनसभा में काले लिबास, टोपी और मास्क वाले लोग हो गए बैन। जी हां दोस्तों, सुरक्षा के नाम पर यहां पर यह फैसला लिया गया है। 4 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे पीएम मोदी। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के अब प्रधानमंत्री मोदी
यहां पर यूपी के अंदर डेरा डालने जा रहे हैं, और वहीं अब उनकी सुरक्षा के नाम पर उनकी रैलियों में जो भी लोग यहां पर काले लिबास पहने होंगे और वहीं टोपी लगाए होंगे और मास्क पहने होंगे, उनको यहां पर उनकी रैली में जाने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, कृषि कानून वापस लेने पर बोली है प्रियंका गांधी, किसानों को छलावा नहीं कानूनों का समूल नाश चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों ही काले कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, और इसके बाद कृषि कानून पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और बीजेपी के नेता साक्षी महाराज के बयान के बाद यहां पर हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का एक बयान सामने निकल के आया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और बीजेपी के नेता साक्षी महाराज ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद यहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार विपक्षी दलों के साथ साथ किसानों के निशाने पर आ गई है। आप लोगों को बताते चलें, राज्यपाल और बीजेपी के नेता साक्षी महाराज ने कहा है कि यह कानून फिलहाल के लिए अभी तो रद्द किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर से यही कानून आएंगे। और जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसानों को चुनावों के समय कानून वापस लेने का छलावा नहीं एमएसपी व फसल का हक लूटने वाले कानूनों का समूल नाश चाहिए। और वहीं किसान संगठनों की तरफ से भी आशंका जताई जा रही है कि चुनाव के बाद कृषि कानून एक बार फिर से वापस आएंगे, जिसको लेकर के भड़की है प्रियंका गांधी। अगली बड़ी खबर बताते चलें, सुधीर चौधरी को अबू धाबी के प्रोग्राम से निकाला गया। यूएई की राजकुमारी ने जी न्यूज के एंकर को बताया था आतंकवादी। आप लोगों को बताते चलें, यूएई की राजकुमारी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी को अबू धाबी में होने वाले प्रोग्राम से निकाल करके बाहर कर दिया गया है। राजकुमारी ने अपने ट्विटर पोस्ट में जी न्यूज के विवादित एंकर को असहिष्णु आतंकवादी बताया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सुधीर चौधरी को अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोग्राम से बहैसियत वक्ता निकाल दिया गया है। यूएई की राजकुमारी ने अपने दूसरे ट्वीट में बताया है कि यूएई में किसी भी धर्म या नस्ल को हेट स्पीच से निशाना बनाना कानूनी अपराध है, और ये तो आतंकवादी है जो लगातार लोगों के बीच में जहर घोलता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि यूएई की राजकुमारी की सख्ती के बाद सुधीर चौधरी को अबू धाबी के प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। अगली बड़ी खबर बताते चलें, त्रिपुरा तृणमूल यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी को पुलिस ने किया अरेस्ट। विरोध में ममता बनर्जी के 15 सांसद पहुंचे हैं दिल्ली, धरने का ऐलान। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा पुलिस ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी की नेता सयानी घोष को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी नेता के अरेस्ट के विरोध में ममता बनर्जी के 15 सांसद दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा है, और वहीं सांसदों का कहना है कि वो यहां पर धरना देने जा रहे हैं इस गिरफ्तारी के खिलाफ। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, योगी मोदी की तस्वीर पर विपक्ष का तंज, अखिलेश यादव ने किया है जोरदार हमला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रख करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। मोदी योगी की इस तस्वीर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि बेमन से कंधे पर रख हाथ कुछ कदम संग चलना पड़ता है, दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने दोस्तों तंज कसा है इस तस्वीर को लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, शिवसेना के नेता संजय राउत बोले, आंदोलन में 700 किसानों की हुई मौत, पीएम केयर फंड से दिया जाए उनको मुआवजा। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध के दौरान 700 से भी अधिक किसानों की मौत हो गई। संजय राउत ने मांग की है कि मृतक के परिजनों को पीएम केयर फंड से वित्तीय सहायता दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर तीनों ही कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है, जिसके बाद यहां पर संजय राउत ने यह मांग की है। संजय राउत ने आगे कहा है कि पीएम केयर्स फंड में बेहिसाब पैसा पड़ा हुआ है जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। इस पैसे का इस्तेमाल मृतक किसानों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि के रूप में किया जाना चाहिए और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले, हमारी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव का समय
पास आते आते हर दिन नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा करते हुए बताया है कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनकी बातचीत यहां पर एक दो छोटी पार्टियों से चल रही है और आगे पता चलेगा कि वो किसी से गठबंधन करते हैं या नहीं, ये यहां पर कहना है ओवैसी का। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट बताते चलें। कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले, झूठे जुमले झेल चुकी है जनता, पीएम की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग अतीत में झूठी बयानबाजी झेल चुके हैं वे कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, किसान संगठनों का दो टूक कहना है कि जब तक संसद के द्वारा तीनों ही काले कानून निरस्त नहीं कर दिए जाते हैं वह अपने धरने को जारी रखेंगे। उसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को घेरा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, MSP खत्म करने की केंद्र की भयावह योजना है, असली लड़ाई अभी बाकी है। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी जीत से किसान काफी खुश हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को समाप्त करने की केंद्र की भयावह योजना का असली काम अब शुरू हुआ है। उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा खत्म करने और सरकारी खरीद का प्रस्ताव है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को सिद्धू ने घेरा है दोस्तों। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNDP TV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।